अब जो 18th लोकसभा इलेक्शंस खत्म हो गए हैं, तो आपको बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी और बीजेपी को कुछ स्टेट से काफी ज्यादा ही झटका मिला है। जहां 400 पार के एक बार नारे लगाए जा रहे थे, वही अब माहौल ऐसा है कि 300 भी टच नहीं हुआ है और आए दिन हर पॉलिटिकल पार्टीज गठबंधन की खोज में निकल पड़ी है। जहां यूपी, वेस्ट बंगाल और महाराष्ट्र बीजेपी के लिए एक बुरी खबर लेकर मौजूद था, वही आपको बता दें कि इलेक्शंस के ठीक बाद वापस से देश के एक कोने में वायलेंस शुरू हो गया है और यहां हम किसी और स्टेट की नहीं बल्कि वेस्ट बंगाल की बात कर रहे हैं। हालांकि इन पोस्ट पोल वायलेंस को ध्यान में रखते हुए कलकत्ता हाईकोर्ट में जस्टिसेस कौशिक चंदा और अपूर्व सिन्हा के सामने कुछ प्ली आई है, जिसकी वजह से उन्होंने रूलिंग गवर्नमेंट और टीएमसी को खूब डांट लगाई है, जिससे टीएमसी काफी नाराज भी दिखी है और दोनों के बीच तनाव और बढ़ गए हैं। तो चलिए एक नज़र डालते हैं कि आखिर ये पूरा मामला है क्या। इस स्टेट का नाम सुनकर आपको पुराने सारे इलेक्शन पोस्ट पोल वायलेंस की याद जरूर आ जाती होगी कि कैसे अगर देखा जाए तो वेस्ट बंगाल में दंगे फसाद की स्थिति मानो हर इलेक्शन के बाद हो ही जाती है, और ये तो फिर भी 18th लोकसभा इलेक्शंस थे। अब जैसा कि हमें पता है कि वेस्ट बंगाल में अपोजिशन पार्टी यानी कि टीएमसी का राज है, तो आसान है ये समझना कि इस लोकसभा इलेक्शंस के रिजल्ट के बाद टीएमसी के जीतने पर डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज और उनके लीडर्स मेंबर्स में झगड़े हो रहे होंगे। एंड एज वी नो द टीएमसी वॉन 29 सीट्स विद द बीजेपी विनिंग ओनली 12, द कांग्रेस वॉन द रिमेनिंग सीट। और इसी मामले से जुड़े एक प्ली कलकत्ता हाईकोर्ट की वैकेशन बेंच के सामने आ पहुंची, जिसमें पिटिशनर्स ने ये दावा किया है कि इलेक्शंस के खत्म होने के बाद ही उनके साथ काफी मारपीट हुई है, और वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि वे एक स्पेसिफिक पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते थे। पिटिशनर्स ऑल्सो क्लेम्ड दैट देयर कंप्लेंट्स वर नॉट बीइंग रजिस्टर्ड बाय द लोकल पुलिस अथॉरिटीज। अंदाजा लगाया जा रहा है कि ये पिटिशनर्स बीजेपी से बिलोंग करते हैं, इसलिए इनके साथ इतना दुर्व्यवहार हुआ है। और पिटिशनर्स की ये दलीलें सुनकर वैकेशन बेंच काफी भड़क गई और कहने पर मजबूर हो गई कि ये पहली बार नहीं है जब स्टेट में ऐसा कुछ देखने को मिला है। पर वे इस बात से काफी गुस्सा थे कि इस मामले में पुलिस भला कैसे कोऑपरेट नहीं कर रही है। द बेंच स्टेटेड, टेकिंग द मैटर वेरी सीरियसली अपार्ट फ्रॉम द एलिगेशंस मेड इन द रिट पिटीशन, दिस कोर्ट हैज टेकन जुडिशियल नोटिस ऑफ मेनी इंसिडेंट्स ऑफ वायलेंस फॉलोइंग और एसोसिएटेड विद द लोकसभा जनरल इलेक्शन 2024, as reported in press and electronic media. The primary concern of this court is to ensure registration of complaints whenever a post-poll violence takes place, irrespective of political affiliations. हालांकि जैसे ही कलकत्ता हाईकोर्ट बेंच ने स्टेट गवर्नमेंट और पुलिस को स्ट्रिक्ट वार्निंग दी, वैसे ही उन्हें एक पलट जवाब देते हुए स्टेट की ओर से मौजूद एडवोकेट जनरल किशोर दत्ता ने तो साफ साफ इनकार कर दिया है कि post-poll violence स्टेट में हुए भी थे। जी हाँ, आपने सही सुना। He stated, the so-called post-poll violence is not post-poll violence at all. The state should be given time to present its statements along with proof of all incidents. हालांकि कोर्ट इस मामले में ये कहने पर मजबूर हो गए कि post-poll violence स्टेट के लिए कोई नई बात नहीं है, and stated, instances of post-poll violence are not unprecedented in this state. After the last Vidhan Sabha election, the entire nation witnessed unprecedented post-poll violence within the state. जिसके साथ ही बेंच ने कहा है कि वे ज्यादा कंसर्न है कि भला कैसे इस मामले में पुलिस केसेस और कंप्लेंट्स फाइल करने से मना कर सकती है, और इसी को ध्यान में रखते हुए जस्टिस चंदा डायरेक्टेड द स्टेट टू एंश्योर द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ इट्स सिटीजंस। विक्टिम्स ऑफ पॉलिटिकल वायलेंस वर एडवाइज टू ईमेल द डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस विद देयर कंप्लेंट्स। द डीजी हैज ऑल्सो इंस्ट्रक्टेड द लोकल पुलिस टू टेक इमीडिएट एक्शन ऑन दीज कंप्लेंट्स। साथ साथ कोर्ट ने इस मामले में 10 दिनों के अंदर एक रिपोर्ट भी सबमिट करने को बोला है, ये देखने के लिए कि आखिर पुलिस ने इस मामले में क्या एक्शन लिया है। द बेंच स्टेटेड, द अफिडेविट शुड बी अफर्म्ड बाय एन ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ इंस्पेक्टर जनरल ऑफ स्टेट पुलिस। वी ऑल्सो कॉशन दैट इफ द स्टेट मशीनरी फेल्स टू प्रोटेक्ट द लाइव्स एंड प्रॉपर्टी ऑफ द सिटीजंस, अप्रोप्रिएट ऑर्डर्स विल बी पास्ड ऑन द नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग। आपको बता दें कि कलकत्ता हाईकोर्ट के इस ऑर्डर के बाद स्टेट गवर्नमेंट और जुडिशरी के बीच वापस से एक दरार उठ चुकी है, जो पिछले कई दिनों से देखने को मिल रही है। कहने को तो ये झगड़े शायद फॉर्मर जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय के टाइम से चल रहे होंगे, कंसिडरिंग कि आए दिन वे ऐसे ऑर्डर्स पास करते थे जिसमें कि वे रूलिंग गवर्नमेंट और टीएमसी लीडर्स स्पेशली अभिषेक बैनर्जी और ममता बैनर्जी को फटकारते थे। वहीं आपको बता दे कि जुडिशरी छोड़ने के बाद उन्होंने पॉलिटिक्स में भी अपना अलग जलवा दिखाया है और इस इलेक्शन में बीजेपी की ओर से तामलुक कॉन्स्टिट्यूएंसी में खड़े होकर जीत भी हासिल कर ली है। हालांकि इस पोस्ट पोल वायलेंस ने देश में इतना तहलका मचा दिया है कि मीडिया से लेकर सारे लोग इसे ही कवर करने में लगे हैं, और इसलिए भी इसको ध्यान में रखते हुए कलकत्ता हाईकोर्ट वैकेशन बेंच कहने पर मजबूर हो गई थी कि वी आर सीइंग इंसिडेंट्स ऑफ पोस्ट पोल वायलेंस इन द मीडिया, इट मस्ट बी स्टॉप्ड इमीडिएटली। अब हमने आपको बताया कि कैसे बहुत दिनों से ही कलकत्ता हाईकोर्ट और स्टेट गवर्नमेंट में झगड़े बंद ही नहीं हो रहे हैं, तो बात ऐसी है कि कलकत्ता हाईकोर्ट ने दो मेजर ऐसे फैसले दिए हैं जिसकी वजह से उन्हें स्टेट गवर्नमेंट की इतनी फटकार
सुनने को मिल रही है। पहला फैसला जो कलकत्ता हाई कोर्ट ने लिया था वो था करीबन 26,000 टीचर्स अपॉइंटमेंट को रद्द करना। और जहां इस सदमे से थोड़ा वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट संभलती थी, वैसे ही कलकत्ता हाई कोर्ट ने 2010 के बाद के सारे ओबीसी क्लासिफिकेशन को कैंसिल करके सारे ओबीसी सर्टिफिकेट्स को रद्द कर दिया था। इन दोनों मामले से वेस्ट बंगाल स्टेट गवर्नमेंट और टीएमसी को काफी बड़ा झटका मिला था, जिसके बाद से बीजेपी और टीएमसी में काफी झगड़े स्टेट में देखने को मिले भी थे, जहां वेस्ट बंगाल सीएम ममता बनर्जी ने इस ऑर्डर के साथ साथ बीजेपी को फटकारा था और कहा था कि बीजेपी गॉट एन ऑर्डर पास टुडे बट आई डोंट एक्सेप्ट इट। व्हेन 26,000 पीपल लॉस्ट देयर जॉब्स बिकॉज ऑफ द बीजेपी आई हैड सेड दैट आई वुड नॉट एक्सेप्ट इट। सिमिलरली आई एम टेलिंग टुडे आई डू नॉट एक्सेप्ट द ऑर्डर टुडे। वी वोंट एक्सेप्ट बीजेपीज ऑर्डर। ओबीसी रिजर्वेशन विल कंटिन्यू। इमेजिन देयर ऑडेसिटी। दिस इज अ कलंकित चैप्टर इन द कंट्री। वही दूसरी ओर यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह और पीएम नरेंद्र मोदी ने इस मामले में उन्हें वापस से खूब फटकारा था। यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ने ममता बनर्जी को फटकारते हुए कहा था कि द ममता बनर्जी गवर्नमेंट विदाउट कंडक्टिंग एनी प्रॉपर सर्वे और प्रोसेस गिव ओबीसी रिजर्वेशन टू 118 मुस्लिम कम्युनिटीज। सम वेंट टू कोर्ट अगेंस्ट दिस। द हाई कोर्ट टुक नोटिस ऑफ द मैटर एंड कैंसल्ड ऑल सच सर्टिफिकेट्स इशूड बिटवीन 2010 टू 2024 बिकॉज ऑफ हर वोट बैंक पॉलिसी। ममता बनर्जी स्नैच्ड रिजर्वेशन मेंट फॉर ओबीसी कैटेगरी एंड गिव इट टू मुस्लिम्स। आई वेलकम द कोर्ट ऑर्डर। और वहीं हमारे देश के पीएम नरेंद्र मोदी भी पीछे नहीं रहे थे और उन्हें फटकारते हुए कहा था, द कलकत्ता हाई कोर्ट हैज गिवन अ बिग स्लैप टू दिस इंडी अलायंस। द कोर्ट हैज कैंसल्ड ऑल ओबीसी सर्टिफिकेट्स इशूड सिंस 2010। व्हाई? बिकॉज द वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट इशूड अनवॉरंटेड ओबीसी सर्टिफिकेट्स टू मुस्लिम्स जस्ट बिकॉज ऑफ द वोट बैंक। आपको बता दें कि कलकत्ता हाईकोर्ट द्वारा दिया गया ये दोनों ऑर्डर्स इसलिए भी इतना कॉन्ट्रोवर्शियल है क्योंकि जहां टीचर्स रिक्रूटमेंट स्कैम में टीएमसी के कई लीडर्स अरेस्टेड है और बाकी शक की निगाहों में है, वहीं कलकत्ता हाईकोर्ट ने पाया कि इस अपॉइंटमेंट प्रोसेस में सच में एक बहुत बड़ा स्कैम हुआ है और ये सारे अपॉइंटमेंट सरकार द्वारा ही किए गए थे। और दूसरा जो ओबीसी सर्टिफिकेट कैंसिल करवाने का ऑर्डर था वो भी टीएमसी के खिलाफ शक पैदा करता है क्योंकि 2011 में टीएमसी की सरकार वेस्ट बंगाल में पावर में आई थी और उनके द्वारा देखा जाए तो सारे ओबीसी क्लासेस के रिजर्वेशन को कलकत्ता हाईकोर्ट ने कैंसिल कर दिया है, जिससे ये दिखता है कि इस सर्टिफिकेट को इश्यू करने में ही वेस्ट बंगाल सरकार ने कुछ झोल किया था। इस ऑर्डर के समय कलकत्ता हाईकोर्ट वेस्ट बंगाल सरकार से काफी गुस्सा दिखी थी और उन्हें फटकारते हुए कहा भी था कि द अथॉरिटीज हैव वायलेटेड द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस एंड हैड प्रैक्टिस्ड प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन इन डेविएशन टू द कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर्म्स। नो डेटा वाज डिस्क्लोज्ड ऑन द बेसिस ऑफ व्हिच इट वाज असर्टेन्ड दैट द कंसर्न्ड कम्युनिटी इज नॉट एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड इन द सर्विसेज अंडर द गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल। द सेड रिपोर्ट्स वर नेवर पब्लिश्ड एंड एज सच नन कुड अवेल द अपॉर्चुनिटी टू फाइल एनी ऑब्जेक्शन टू द सेम। तो अब देखते हैं कि इस पोस्ट पोल वायलेंस के मामले में क्या वेस्ट बंगाल सरकार एक बार वापस से जुडिशी पर सवाल उठाती है या नहीं और अपने रिपोर्ट में क्या सबमिट करेगी। टिल देन की फॉलोइंग लॉ चक्रा।